ये तो दोस्तों मैं अंकुर आर्थी आपका स्वागत करता हूँ फालतू टेक चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली मोटो ने वन विजन स्मार्टफोन को इंडिया की मार्केट में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस हमें 20,000 रुपये देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको 20,000 रुपये के प्राइस में मोटो वन विजन स्मार्टफोन को कंसिडर करना चाहिए या किसी दूसरे स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल फोन पर हमें सैमसंग का चिपसेट मिलता है, यानी कि एक्सिनोस 9609 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अगर जीपीयू की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें माली का जीपीयू देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 4GB रैम प्लस 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि मोटो वन विजन स्मार्टफोन पर हमें एक माइक्रो एसडी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। ऐसे में हम डिस्प्ले साइज की बात करें तो दोस्तों मोटो वन विजन स्मार्टफोन पर हमें 6.3 इंच की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक पंच होल डिस्प्ले मिलते हैं, यानी कि डिस्प्ले पर ऊपर कॉर्नर पर हमें एक पंच होल मिलेगा जिसके अंदर हमें एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो थी डिस्प्ले की बात। अगर हम दोस्तों कैमरास की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें दोस्तों डुअल रियर कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा एक्चुअल में 12 मेगापिक्सल में पिक्चर कैप्चर करेगा। अगर हम फ्रंट की बात करें तो दोस्तों फ्रंट पर हमें 25 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले के अंदर एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों 3500 mAh की बैटरी मिलेगी जो 15 वाट की टर्बो पावर चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और टाइप सी पोर्ट हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 Pie। और दोस्तों मोबाइल फोन पर एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें मोबाइल फोन की रियर साइड पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि क्या ये मोबाइल फोन आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में दोस्तों इस मोबाइल फोन के प्राइस की बात होती है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है बट दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस हमें अच्छे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस हमें अवर देखने को मिल जाते। अगर दोस्तों ये मोबाइल फोन 15,000 या 16,000 रुपये के प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाता तो दोस्तों एक बेहतरीन स्मार्टफोन साबित हो सकता था, क्योंकि दोस्तों इसी प्राइस रेंज में हमें सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M40 और A50 स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाता। हालांकि दोस्तों A50 पर तो हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, बड़ी बैटरी और सुपर एमोलेड पैनल भी देखने को मिल जाता, जो लगभग इससे थोड़े कम प्राइस में हमें देखने को मिले 18,500 रुपये में। दोस्तों अब हमें सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये मोबाइल फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप किसी दूसरे स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हो। वैसे दोस्तों मोबाइल फोन पर अच्छी स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।